लखनऊ में ठेला लगाने वाले युवक को दरोगा द्वारा थप्पड़ मारे जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। वीडियो को शेयर करते हुए सपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर भी तंज कसा। वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक ठेला लेकर जा रहा है, दरोगा उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। युवक के पास पहुंचते ही दरोगा ने दनादन दो थप्पड़ जड़ दिए। पूरा मामला जानने से पहले देखे वायरल वीडियो। शनिवार को वीडियो सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इसे शेयर किया। इस वीडियो को अखिलेश यादव ने दोपहर 12:20 पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, देखो यूपी पुलिस का सरेआम अत्याचार, सत्ताधारी जिसे कहते हैं अमृतकाल, क्या यही है यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रमाण। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो शुक्रवार रात 10:90 चौराहे के पास का है। पुलिस की टीम सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को भगा रही थी। रात में चौराहे पर खड़े किसी युवक ने घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। युवक की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने पूरे मामले पर सफाई दी है। लखनऊ पुलिस की तरफ से अखिलेश के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बताया गया कि शुक्रवार रात 2:30 चौराहे पर ठेले अनाधिकृत तरीके से खड़े थे। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर गए। विक्रेता से अमर्यादित व्यवहार करने वाले दरोगा की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।